जयपुर में साइबर ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल चित्रकूट में रहने वाले हिमांशु चौधरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड धारक हैं। 14 दिसंबर को हिमांशु के क्रेडिट कार्ड से 512 यूएस डॉलर और 8548 पोलैंड करेंसी के रूप में करीब 2 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन किए जाने का मैसेज आया, जिस पर हिमांशु ने संबंधित बैंक से संपर्क कर जानकारी दी। साथ ही क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने और 2 लाख रुपए वापस किए जाने की दलील दी, लेकिन बैंक ने पैसे लौटाने से मना कर दिया, जिसके पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये प्रतिवादी हिमांशु चौधरी है, चित्रकूट वैशाली नगर के रहने वाले। उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। उनका कोई ये अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो वो काफ़ी समय से यूज़ में ले रहे हैं, और उनके क्रेडिट कार्ड से 14 दिसंबर 2019 को रात्रि के समय में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है US डॉलर में और पोलैंड की मुद्रा में, 512 डॉलर और 8548 पोलैंड की मुद्रा में उनका ट्रांजेक्शन हुआ है। इस संबंध में पहले प्रतिवादी ने बैंक में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, मेल के थ्रू और कस्टमर केयर पे फोन करके भी दर्ज करवाया था। उन्होंने उस समय कहा कि कार्ड ब्लॉक कर दिया।